हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के विषय में। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। नमस्कार, मैं हूं नीरजा चौधरी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में हुआ था। सन 1913 से 1919 के बीच इंग्लैंड में रहकर इन्होंने कानून की पढ़ाई की। इसी दौरान इनका परिचय तिलक से हुआ और उनसे परिचय के बाद ये राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए, यानी कि राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई। जब ये इंग्लैंड से वापस लौटे तो 1919 में इन्हें गिरफ्तार करके नैनी इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया। सन 1926 में वे स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव भी जीते थे और 1962 से 1967 तक उन्होंने लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया था। कुछ समय पश्चात उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में लगा दिया। गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को खोजकर उन्हें कला जगत में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण श्रेय है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को ही है। वर्ष 1969 में प्रकाशित उनकी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स भारतीय चित्रकला का अमूल्य ग्रंथ है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल की 10 जनवरी 1982 को मृत्यु हो गई।